हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आपको में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की स्टूडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर था उसी का जो है ये दूसरा लेक्चर है, यानी कि ये पार्ट टू है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन इसका कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि आपका इतिहास का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर ये चैप्टर समाप्त होने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर बनता है, जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आपको करवाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से इतना हम रिक्वेस्ट करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, इतना मेरा गारंटी है। इतना तो अब आपको विश्वास हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा लेते हैं कुछ सेकंड के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में टोटल तीन टॉपिक या कहें तो चार टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल स्तूप के बारे में पढ़ा है ना, उसके बाद जो फिर आपका दूसरा टॉपिक आया था प्यारे बच्चों, दूसरा जो टॉपिक था वो क्या था, बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बाकी है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना बाकी है। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो आपका है जैन धर्म के बारे में, जो कि आज एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो आपका चौथा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है यज्ञ, यज्ञ परंपरा या फिर यज्ञ कह सकते हैं, ठीक है। तो स्तूप के बारे में हम लोगों ने पार्ट वन लेक्चर में पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म का लगभग 70% भाग जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है, 70%। आज थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद आज जो है जैन धर्म और यज्ञ, यज्ञ तथा विवाद, यानी कि ये दो टॉपिक जो है आपका बचा हुआ है, ठीक है जी। चलिए अब शुरू किया जाए। तो चैप्टर का नाम क्या था, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब क्या होता है, विचारक का मतलब होता है विचारक, जो विचार करने वाला होता है। तो यहां पर दो व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, एक है गौतम बुद्ध के बारे में, एक भगवान महावीर के बारे में। विश्वास का मतलब जिसमें आप विश्वास करते हैं, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जैसे कि आपका धर्म। और इमारतें का मतलब जो भी धर्म से जुड़ी हुई जो भी बिल्डिंग होती है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, जैनालय, गिरजाघर, जितना भी होता है, ठीक है जी। चलो अब शुरू किया जाए, थोड़ा बहुत आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। स्तूप क्या होता है प्यारे बच्चों, स्तूप का क्या क्या मतलब होता है। स्तूप का वैसे रियल में मतलब होता है ढेर, जैसे चावल का ढेर, गेहूं का ढेर है ना, लेकिन संस्कृत में इसी का मतलब बदल जाता है और संस्कृत में इसका मतलब हो जाता है टीला, ठीक है। लेकिन वहीं पे ऋग्वेद में इसका मतलब और भी बदल जाता है। ऋग्वेद में इसका मतलब क्या हो जाता है, अग्नि की उठती हुई ज्वाला है ना, अग्नि की उठती हुई ज्वाला को ही क्या कहा जाता है, स्तूप। तो देखिए शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, यानी कि जनरली इसको हम लोग ढेर कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसी को टीला कहते हैं। और वहीं पे स्तूप का मतलब फिर ऋग्वेद में बदल जाता है, जो कि सबसे पुराने वेद है वहां पर भी स्तूप के बारे में मिलता है, लेकिन वहां पर इसका मतलब हो जाता है अग्नि की उठती हुई ज्वाला, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको यह भी बताए थे कि जैसे स्तूप को कैसे बनाया जाता था प्यारे बच्चों, और आपको अच्छे से समझाए थे है ना, कि स्तूप का जन्म जो है गोलार्ध लिए हुए, पहले गोला होता था, उसके ऊपर जो है एक हर्मिका होता था, हर्मिका को देवताओं का घर कहा जाता था, उसके ऊपर एक इस तरीके का कोलम होता था जिसको छत्र कहा जाता था, इसके ऊपर छतरी जैसा बना हुआ होता था जिसको यष्टि कहा जाता था है ना, वेदिका, इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था जिसको वेदिका कहा जाता था, और ये पूरे को हम लोग क्या कहते थे, स्तूप कहते थे है ना, और इस भाग को क्या कहते थे, अंड कहते थे। तो आपको बहुत ही अच्छा से पार्ट वन में आपको बताए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हर्मिका को, हर्मिका का मतलब या तो देवताओं, जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, उसी तरीके से हर्मिका का मतलब होता है देवताओं का घर, या फिर कहें कि हर्मिका जो है वो देवताओं का घर था, ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग कल जो जो क्लास किए होंगे उसको बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए जी, अच्छा एक आप लोग एक और इंपॉर्टेंट था, सांचे का स्तूप के बारे में बताए थे। सांचे का स्तूप जो कि कहां पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश भोपाल के जो रायसेन जिला के मुख्यालय है, जो रायसेन जिला मुख्यालय है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये सांचे का स्तूप है, ठीक है। या फिर अगर विदिशा भी एक जगह का नाम है, और विदिशा से अगर हम लोग जाएंगे तो वहां से टोटल 5 मील की दूरी होता है। अगर विदिशा से हम लोग जाएंगे तो वहां से कितना कितना दूरी होता है, 5 मील की दूरी होता है। वहीं पर अगर हम लोग मध्य प्रदेश रायसेन जिला मुख्यालय से जाएंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी पर यह जो सांचे का स्तूप है वो है, और ये आज भी है, और देख सकते हैं ये उसका चित्र है। टोटल 3 तोरण द्वार था, पूछा जाएगा तोरण द्वार कितना था सांचे का स्तूप में, तो सांचे का स्तूप में टोटल 3 तोरण द्वार था। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है, तोरण द्वार का मतलब होता है जैसे प्रवेश द्वार है ना, किसी मंदिर में, किसी जगह बहुत बड़े-बड़े शहर में जाते हैं तो एक इस तरीके का डिजाइन वाला गेट होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं तोरण द्वार, ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक कल आपका एक क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन में क्या डाउट था इसका, गौतम बुद्ध के माताजी के बारे में। तो गौतम बुद्ध के जो माताजी का नाम था, उसका माताजी का नाम मायावती ही याद रखना आप लोग, ठीक है, यही जो है सही है, मायावती, महामाया, सॉरी फॉर डेट, आज भी देखो गलत करते हैं, महामाया,
ठीक है ना। तो महामाया ही जो है वो सही नाम है, तो कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। गौतम बुद्ध की माताजी का नाम महामाया ही था, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। पत्नी का नाम उनका क्या था, यशोधरा। आप लोग कमेंट करते जाइए मेरे साथ साथ। चलिए, तो जो भी पार्ट उनको नहीं देखे हैं पार्ट उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा जैसे हमने आपको बताया था। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को सुनना है, सारी चीज आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो है आपका नया लेक्चर शुरू होता है, बुद्ध के अनुयायी अथवा बुद्ध के शिष्य। अनुयायी का मतलब होता है प्यारे बच्चों फॉलोअर। अनुयायी का मतलब क्या होता है, फॉलोअर, यानी कि आप किसी के फॉलोअर हैं उसी को अनुयायी कहा जाता है, लेकिन धर्म के जो फॉलोअर होते हैं उसको भी अनुयायी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बुद्ध के अनुयायी अथवा बुद्ध के शिष्य, यानी कि उनको जो फॉलो करते थे, जो उनके शिष्य थे। देखो, बहुत ही कम समय में बुद्ध के ज्ञान के प्रभाव के कारण उनके शिष्यों का एक दल बन गया, जिस कारण उन्होंने संघ की स्थापना कर डाली। यानी कि जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी आप लोग फटाफट कमेंट करिए, मैं सारा चीज नहीं लिखूंगा, फटाफट बोलिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, बोलिएगा आप लोग। तो बहुत ही कम समय के बाद जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बाद जो है उनके जो शिष्य थे वो क्या किया, एक मीटिंग बैठाया, एक संघ बनाया, एक दल बनाया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और उन्होंने संघ की स्थापना कर दी, एक ग्रुप की स्थापना कर दी। यह शरमन एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। शरमन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कल, घूमने फिरने वाला, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर ताकि आपको याद रहे। शरमन का मतलब मैंने आपको बताया था घूमने फिरने वाला, है ना, जो हमेशा घूमते फिरते रहता है, एकदम अपना मस्त रहता है, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं। तो शरमन यानी कि इसके जितने भी शिष्य थे, जैसे गौतम बुद्ध भी क्या थे, एक शरमन थे, ठीक वैसे इनके जो भी फॉलोअर थे, जो भी इनके अनुयायी थे। चलिए, बहुत बढ़िया, 483 जो भी बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त है, क्या बात है जी, बिल्कुल सही नंदू कुमार। चलिए, तो यह क्या थे, एक शरमन थे, एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, मतलब ये घूमते फिरते थे और बिल्कुल आम जिंदगी गुजारते थे, लोगों की तरह आम जिंदगी, कोई एकदम फैशन नहीं, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं, किसी तरह का कोई एकदम नॉर्मल सा जिंदगी ये गुजारते थे। जैसे दिन में एक बार उपासकों, यानी कि उपासकों जो होता है उसका मतलब होता है भक्त, ठीक है, तो भक्त, और इसी को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, उपासक बोलते हैं। तो जैसे दिन में एक बार उपासकों से भोजन का दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे, क्योंकि यह दान पर निर्भर है, इसलिए इन्हें भिक्कू कहा गया। अब इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि जो शरमन थे, जो घूमने फिरने वाला था, वो हमेशा घूमते फिरते रहता था, ना उसको खाने का टेंशन, ना उसको किसी चीज़ का टेंशन, कोई नहीं, एकदम मस्त, एकदम माहौल से एकदम घूमता फिरता रहता था, ठीक है। उसके बाद अब खाना तो कैसे कैसे खाएगा, तो वो क्या करता था, अपना जो उनके जो भक्त थे, उनके जो भक्त थे वहीं से वो, मतलब कि होता है ना कि बहुत लोग मंदिर में जो है या फिर गिरजाघर में कहीं भी देखेंगे खाना खिलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या करते थे, एक कटोरा लेता था, एक बर्तन लेता था, वहां जाकर के दान, किसी तरह का या तो दान मिल जाता था या खाना पीना मिल जाता था, उसको खाता था। और इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, जो दान पर निर्भर रहता था, जो इस तरीके का काम इस पर निर्भर रहता था, दूसरे पर निर्भर रहता था, इसको कहा जाता था भिक्खु। क्या कहा जाता था, भिक्खु। तो भिक्खु का मतलब एक प्रकार का भिखारी भी समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बौद्ध धर्म में भिक्खु कहा गया, जो इस तरह का दान पर डिपेंडेंट रहता था, जैसे कोई मंदिर के आगे रहता है, मस्जिद के आगे रहता है, ठीक वैसे ही, ठीक है। शुरुआत में बुद्ध के शिष्य के संघ में केवल पुरुष को ही सम्मिलित होने की अनुमति थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। यानी कि शुरू में जो ये संघ बनाया गया था बुद्ध के शिष्य के द्वारा, तो वहां पर पहले पुरुष ही सिर्फ रह सकते थे, यानी कि इस संघ में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते थे, लेकिन बाद में जो ये संघ था इसमें महिलाओं को भी अनुमति मिली, परमिशन मिला, अब वो भी जो है इस संघ में आ सकती थी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे, बहुत ही प्यारे शिष्य थे, जिसका नाम क्या था, आनंद। तो याद पूछा जा सकता है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उनका नाम क्या था, आनंद था, ठीक है, जिन्होंने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति हासिल की थी। यानी कि ये जो प्रिय शिष्य थे, इन्होंने गौतम बुद्ध को समझाया था, इन्होंने समझाया था गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को समझा करके जो है ये कहा कि ठीक है, उसको समझाया, उसको अच्छा से मनाया मनाया मनाया, और फिर उनसे परमिशन ले लिया महिलाओं को आने के लिए। पहले जो है महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये आनंद उनसे परमिशन लिया, फिर बाद में महिलाओं को भी इस संघ में आने की परमिशन मिली, अनुमति मिली। बुद्ध की उपमाता जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ये जो है उनकी मौसी थी, जैसे आप सबको पता है ना, 7 दिन के बाद
अच्छा पता है कि नहीं, 7 दिन के बाद जो है मृत्यु हो गई थी, किसकी? उनकी माँ की, यानी कि गौतम बुद्ध के पैदा होने के 7 दिन के बाद उनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है उनके जो मौसी थी, वही जिसका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी वही जो है उनका देखभाल किया था। ठीक है, तो बुद्ध की इसको इसी को इसलिए इसको हम लोग उपमाता कहते हैं। तो बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्कुनी थी। तो जो लड़का होते थे उसको कहा गया भिक्कू, और जो लड़की होती थी उसको कहा गया भिक्कुनी। ठीक है, तो ये सबसे पहली महिला थी जो इस संघ में आई थी, जो कि उनकी माँ थी, जिनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। भिक्कुनी आगे चलकर थेरी बनी। थेरी का अर्थ ऐसी महिला है जिन्हें निर्वाण यानी कि शांत प्राप्त कर लिया हो। कहने का मतलब जो भिक्कुनी थी, जो ये थी महाप्रजापति थी, ये आगे चल करके क्या बनी, आगे चल करके ये जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया, मतलब कि ये थेरी बन गई, थेरी बन गई। और थेरी का मतलब होता निर्वाण, मतलब शांत, किसी से कोई मतलब नहीं, जैसे होता ना सन्यासी बन गया, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी सभी सामाजिक वर्ग से आए थे। इन वर्ग में राजा, कर्मकार, धनवान, गृहपति, शिल्पी, दास सम्मिलित थे। कहने का मतलब है ये जो संघ बनाया था, तो इस संघ में अलग अलग तरह के लोग आए थे। जैसे इसमें राजा भी था, जो राजा होते थे, कर्मकार भी था, जो बहुत लोग अमीर थे, धनवान भी था, गृहपति जो घर में रहते थे वो भी था, शिल्प जो हाथ से कोई चीज़ों को बनाता था, शिल्पकार जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल था। तो इस संघ में सभी तरह के लोग आए थे। इन लोगों का एक बार संघ में प्रवेश करने के बाद इनको अपना पुराना पहचान त्यागना पड़ता था, अर्थात संघ में सबको समान दृष्टि से देखा जाता था। मतलब कोई भी, चाहे राजा हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, कोई भी अगर ये संघ में आया, ये संघ बनाया गया किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के शिष्य के द्वारा, तो कोई भी अगर इस संघ में आया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो फकीर हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको एक समान दृष्टि से देखना पड़ता था। यानी कि जो अपना पुराना आइडेंटिटी है उसको भूलना पड़ता था, तुम राजा भी थे इस बात को भूलना पड़ता है। ठीक है, इस संघ में जो भी आता था उस वक्त में। आगे देखिए, तो ये जो है ये बनाया गया था, यानी कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के शिष्य जो कि संघ बनाया था, तो उस संघ में किस तरह के लोगों को आने की अनुमति थी, क्या क्या था, जो कि आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात भिक्कू और भिक्कुनी के नियम। कहने का मतलब है ये जो भिक्कू और भिक्कुनी थे, भिक्कू का मतलब मैंने क्या बताया आपको प्यारे बच्चों, जो वही दान दक्षिणा पर जो डिपेंडेंट रहता था, आश्रित रहता था, यानी कि दान मिलेगा तभी ये खाएगा, नहीं तो भूखे रहेगा, तो इसी को भिक्कू कहा गया। जो लड़का उसको भिक्कू, जो लड़की उसको भिक्कुनी। तो इसके आने के कुछ कुछ नियम भी थे जो कि हम लोग जानेंगे। सबसे पहला नियम, नया कंबल का निर्माण करने पर उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना होगा। मतलब क्या, यानी कि आप समझिए कोई संघ बनाया गया, आप समझिए कोई ग्रुप बनाया गया, जहाँ पर जो भी आप थे, चाहे राजा थे, चाहे अमीर थे, चाहे गरीब थे, आपको सारा चीज़ छोड़ करके इस संघ में आना पड़ेगा। अब फिर इस संघ में आने के बाद कुछ कुछ नियम था जो कि आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्रुप में आने के बाद कुछ कुछ नियम था जो कि पालन करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही बुद्ध धर्म के जो भी अनुयायी थे, जो भी फॉलोअर थे, उसके लिए कुछ नियम था जो कि यहाँ पर लिखा गया है। पहला नियम क्या था कि कोई भी अगर नया कंबल बनाया जाएगा तो उसका जो प्रयोग है वो कम से कम 6 वर्षों तक, यानी कि 6 साल करना पड़ेगा। आज के दिन हम लोग 1 साल 2 साल में फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल कोई पता नहीं। किसी गृहस्थ के घर से कोई भिक्कू 2 से 3 कटोरा भोजन ही स्वीकार कर सकता था, अन्यथा अपराध स्वीकार करना पड़ता था। कहने का मतलब है किसी गृहस्थ के घर से कोई अगर भिक्कू, अगर कोई भी कटोरा भोजन की, मतलब कि किसी गृहस्थ के घर से कोई भी भिक्कू 2 से 3 ही कटोरा भोजन ही स्वीकार कर सकता था, है ना, अन्यथा उसको अपराध स्वीकार करना पड़ता था। मतलब कोई अगर घर से लेके आएगा तो वो 2 से 3 ही कटोरा ला सकता था, अगर उससे ज़्यादा लाएगा तो उसको अपराध के लिस्ट में शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, भिक्कू संघ के किसी विहार में ठहरते थे, भिक्कू संघ के किसी विहार में ठहरते थे तो उसे बिछवाए गए बिस्तर को समेटना पड़ता था। कहने का मतलब है जो भिक्कू होते थे वो अगर किसी विहार में कहीं जाकर के ठहर गया तो जो वो बिछाए गए बिस्तर था उनको, उसी को समेटना पड़ता था। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, पहला नियम प्यारे बच्चों था 6 साल तक उनको जो है एक ही कंबल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा नियम था कि वो 2 से 3 कटोरा भोजन ही स्वीकार कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको अपराध के दृष्टि से देखा जाएगा। फिर जो अगला नियम था वो क्या था, भिक्कू संघ के किसी विहार में जो ठहरते थे उसको जो बिछाए गए बिस्तर है उसको खुद ब खुद उठाना पड़ता था। मान लेते हैं कहीं पे जा रहे हैं तो कोई गेस्ट हाउस है, कोई ऐसा बिल्डिंग बना हुआ था, उस वक्त तो बिल्डिंग नहीं था, जो भी घर वगैरह बना हुआ था, तो वहां पर अगर आप ठहर गए तो वो बिस्तर आपको खुद उठाना पड़ता था, बस यही नियम था। अब एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बौद्ध शिक्षाओं का आधार आचरण और मूल्यों को महत्व देना था, ना कि जन्म के आधार पर महत्व देना था। यही चीज जो है हिंदू धर्म में नहीं थी, अभी भी वैसे नहीं है बहुत जगह पर। क्या था कि यहां पर क्या है, अगर आप जिस जाति में पैदा हुए, इसीलिए अच्छा ये को बात पता है,
हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म आया था, और हिंदू धर्म में उस वक्त में जैसे सती प्रथा था, बहुत तरह की अन्याय थी, जैसे लोगों को जो है गलत दृष्टि से देखा जाता था, तो इसके वजह से जो गौतम बुद्ध है वो दूसरा धर्म बना लिया, बौद्ध धर्म बना लिया, नहीं तो आज बौद्ध धर्म नहीं बनता, वो हिंदू धर्म में भी शामिल होता। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहा क्या कि यहाँ पर क्या है, जाति पर भेदभाव होता है ना, जाति पर भेदभाव होता है किसमें, हिंदू धर्म में। यहाँ पर क्या होता है कि जिस जाति में आप पैदा होते हैं उसी जाति में जो काम किया जाता है, मान लेते हैं आप अगर बरही मतलब की जाति में पैदा हुए हैं ना, तो आपको लकड़ी का ही काम करना पड़ेगा, आप लोहार जाति में पैदा हुए तो आपको लोहार का ही काम करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, जिस जाति पर आप पैदा हुए उसी जाति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, वही आपका जाति है, वही आपका आइडेंटिटी है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध शिक्षाओं का आधार क्या था, उनके आचरण, उनके मूल्य, मतलब उनके अंदर क्या खूबी है, उनके अंदर क्या खासियत है, उनके अंदर क्या मतलब कि टैलेंट है, उसी के आधार पर जो है उसको महत्व दिया जाता था, ना कि जन्म के आधार पर, और जन्म के आधार पर उसको महत्व नहीं दिया जाता था। प्यारे बच्चों, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में तो हर हाल में पूछा जाता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। क्या है, बौद्ध महासंगीतियां। अब बौद्ध महासंगीतियां क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण का मतलब अंतिम काल कह दीजिए, या फिर उनके मृत्यु के बाद कह दीजिए, उनके मरने के बाद कह दीजिए, है ना। तो गौतम बुद्ध के मरने के बाद या मृत्यु के बाद या अंतिम काल में, महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए समय समय पर अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हो गया, यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद अब वो जो जो चीज़ अच्छी अच्छी बातें बताई थी उसको फैलाना भी तो है ना। तो ये फैलाया गया कौन, जो उनका अनुयायी था, जो उनका फॉलोअर था, जो उनको मानता था, जो उस धर्म को मानता था। तो फिर क्या हुआ, इसके इसके मृत्यु के बाद उनके जो मतलब के अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, है ना, उनके जो फॉलोअर थे वो बौद्ध धर्म के द्वारा जो भी शिक्षा दिया गया था उसको जो है वो हर जगह फैलाना चाहते थे। यही फैलाने के लिए जो है वो कई जगह सभा बुलाया, कई जगह मीटिंग बुलाया, कई जगह प्रोग्राम रखा, है ना, बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ, कई जगह उन्होंने प्रोग्राम रखा, कई जगह उन्होंने सभा बुलाया, मीटिंग बुलाया। इसी सभा को, इसी मीटिंग को, इसी सभा का आयोजन को हम लोग कहते हैं बौद्ध संगीति। समझ में आ गया, यानी कि जैसे आज के दिन मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है, धर्म से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही है, कोई धर्म को अपने धर्म के बारे में बताने के लिए किसी तरह का मीटिंग हो रहा है, किसी तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, संगीति कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये बौद्ध धर्म में था तो इसको कहेंगे बौद्ध संगीति, बौद्ध महासंगीतियाँ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बौद्ध संगीति क्या होता है, एक बार डेफिनेशन को खुद से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान शब्द में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु क्या दिक्कत है, बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, जो निम्न प्रकार से है, यानी कि टोटल जो सभा हुआ था, टोटल जो प्रोग्राम हुआ था, टोटल जो सभा का आयोजन हुआ था वो कितना हुआ था, 4 मतलब कि टोटल 4 प्रकार का आयोजन हुआ था, या फिर कहें तो टोटल 4 आयोजन हुआ था, 4 प्रोग्राम हुआ था, जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आपको बौद्ध महासंगीतियाँ समझ में आ गया क्या होता, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ के बारे में, टोटल जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगीति, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी अभी आपको हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, टोटल कितना संगीति हुआ था, कितना बौद्ध संगीति हुआ था, 4, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति का नाम क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, ये कब हुआ था, सबसे पहले समय अगर पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब ये हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, तो उस वक्त में जो शासक थे, उस वक्त में जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था, अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश के मतलब कि उस वक्त में हर्यक वंश का शासनकाल था। समझ में आ गया, यानी कि कौन सा वंश उस वक्त में था, हर्यक वंश, जैसे कुषाण वंश होता है, जैसे मौर्य वंश होता है, उसी तरीके से एक आपका हर्यक वंश था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वो कब हुआ था प्यारे बच्चों, 483 ईसा पूर्व में, आप लोग कमेंट भी करिए फटाफट। और उस वक्त में जो शासक था उनका नाम क्या था, अजात शत्रु, और वो किस वंश से थे, हर्यक वंश से थे। ठीक है, जो स्थान जहां पर ये संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति पहली बार, वो कहां पर हुआ था, तो बिहार में राजगृह के सप्तपर्णी में, यानी कि बिहार में राजगृह, राजगृह को आज हम लोग क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं, क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं। आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ाए थे, याद है कि नहीं, राजगीर, और राजगृह का मतलब क्या होता था, राजाओं का घर, है ना, राजाओं का
घर, याद रखिएगा ये सारा पॉइंट जो बताते हैं, देखिए वही सब चैप्टर से घुमा फिरा के आता है, ठीक है। तो राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर, और ये राजगृह का नाम को आज बदल करके राजगीर कह दिया गया। राजगीर से जो है कमेंट करिए, आपको पता है राजगीर अभी बिहार का सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है, बहुत ही अच्छा घूमने के लिए, जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आते हैं, जिसको पर्यटक कहते हैं वो आते हैं, तो आप लोग भी जाइएगा। चलिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। शासक का नाम था अजात शत्रु, जो कि हरियक वंश से था, और यह हुआ कहां था? तो बिहार में राजगृह में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, कोई भी मीटिंग होता है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वहां पर बातें बताई जाती है, कुछ ना कुछ चीज वहां पर बोला जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्य, यानी कि वहां पर काम क्या हुआ था। हो सके इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जो पीडीएफ नहीं लिए हैं, जो कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए। देखिए, कार्य, गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने, गौतम बुद्ध के एक शिष्य था, गौतम बुद्ध का एक चेला था, एक शिष्य था, जिनका नाम क्या था? उपाली, ठीक है। तो इसने जो है स्मृति के आधार पर संघ के नियमों को सभी को समझाया, यानी कि संघ का जो भी नियम था, जो हम लोग एक दो नियम देखे, ठीक है। तो इसने, यानी कि जिनका नाम उपाली था, ये जो है अपना स्मृति के आधार पर, जो स्मृति एक किताब का नाम है, तो उसके आधार पर जो है इन्होंने संघ के नियमों को सभी को समझाया, जो भी उस प्रोग्राम में, जो भी उस प्रोग्राम में आया था, ठीक है, जिसे कहा गया विनय पीटक। समझ में आ गया, विनय पीटक, सुत्त पीटक, याद है कि नहीं? कल आपको बताए थे, याद है कि नहीं? चलिए, तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जिनका नाम उपाली था, इन्होंने स्मृति के आधार पर संघ के जितना भी नियम था, जितना भी रूल था, वो सभी को समझाया, और इसी को, ये जो नियम समझाया गया था, इस नियम को एक जगह लिखा गया और इसको एक जगह रखा गया, एक टोकरी में रखा गया, एक कटोरा में रखा गया, या एक बक्सा में रखा गया। उसी बक्सा को हम लोग इस भाषा में, बौद्ध की भाषा में कहते हैं पीटक, और उसका एक नाम पड़ा, उस नाम, उसका नाम क्या पड़ा? विनय पीटक। तो पीटक का मतलब याद रखिएगा बच्चों, पीटक का मतलब होता है कटोरा, या फिर सिंपली बोल दीजिए बॉक्स, ठीक है, आज के जमाने में बॉक्स उसको बोलेंगे, या फिर एक कटोरा, या फिर टोकरी बोल सकते हैं, ठीक है। टोकरी सबसे अच्छा वर्ड है, रियल मीनिंग है, लेकिन बॉक्स से समझिए। तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जिनका नाम उपाली था, वो जो पहला भाषण दिया था, जो पहला नियम बताया था संघ का नियम, उसको जो एक जगह जमा किया गया, उसको जमा किया गया जिस पीटक में, वो पीटक का नाम पड़ा विनय पीटक, ठीक है। बुद्ध के एक और शिष्य था, जिनका नाम था आनंद, और ये क्या था? प्रिय शिष्य था। हमने क्या कहा? ये प्रिय शिष्य था, मतलब ये बुद्ध इनको जो है बहुत ज्यादा चाहते थे। किसको? आनंद को, ठीक है। तो बुद्ध के एक और शिष्य थे, जिसका नाम था आनंद, इन्होंने सिद्धांत तथा आचरण के टॉपिक पर, सिद्धांत तथा आचरण के विषय पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सुत्त पीटक के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया, यानी कि बुद्ध के द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया था, जो भी आचरण, जो भी मतलब सिद्धांत दिया गया था, जो भी आचरण, कि आपका आचरण कैसी होनी चाहिए, आप बुजुर्ग के सामने जाएंगे किस तरीके से आपका आचरण होनी चाहिए, सिद्धांत की चोरी नहीं करना, किसी को नहीं मारना, किसी जीव का हत्या नहीं करना, है ना, किसी का मतलब कि झूठ ना बोलना, वगैरह वगैरह जो सिद्धांत दिया गया था, और साथ ही साथ कुछ कुछ आचरण जो कि अच्छी बातों को बताया गया था, कि किसके सामने आपको कैसे पेश आना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये जो है कौन बताया लोगों को उस सभा में, पहली सभा में, जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चों? जिनका नाम था आनंद, जिनका नाम था आनंद, जो कि प्रिय शिष्य था बुद्ध का। समझ में आ गया। और ये जो बताया आनंद के द्वारा, जो बताया गया, तो इन सारी चीज़ों को भी एक जगह लिखा गया, और एक जगह, एक टोकरी में, एक कटोरा में बंद किया गया। उस कटोरा का नाम पड़ा पीटक, लेकिन उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा प्यारे बच्चों सुत्त पीटक, ठीक है। पीटक का मतलब तो कटोरा, बॉक्स होता है, लेकिन एक नाम रखा गया उसका, स्पेशली नाम, जिनका पड़ा सुत्त पीटक। तो याद रहेगा, उपाली के द्वारा जो भी बोला गया था, उसको रखा गया था विनय पीटक में, बस यही याद रखना है। और आनंद के द्वारा जो भी सिद्धांत के बारे में बताया गया, जो भी आचरण के द्वारा, आचरण के बारे में बताया गया, जो कि बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसको एक जगह जमा किया गया, उसको पड़ा सुत्त पीटक। समझ में आ गया। तो आप प्रश्न अगर पूछा जाए कि सुत्त पीटक का संबंध किससे है, विनय पीटक का संबंध किससे है, तो विनय पीटक सुत्त पीटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म। तो ये था प्रथम बौद्ध संगीति। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था प्यारे बच्चों? समय है 383। अच्छा, एक चीज आपको यहां बता देते हैं, यहां पर याद क्या रखना, तीन चीज याद रखना है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था, उस वक्त में किसका शासन था? किसका शासन था? वो आजाद शत्रु का शासन था, जो कि हरियक वंश से था। बस ये दोनों पॉइंट को याद रखना काफी है। ये डेट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बाकी याद रखिएगा, अच्छी बात है। अगला प्रश्न था आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस वक्त में जो राजा थे, जो शासक थे, उनका नाम था कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से थे। कौन से वंश से? शिशुनाग वंश से, ठीक है। और स्थान, स्थान यानी कि जगह जो था, जिस समय जहां पर यह द्वितीय बौद्ध संगीति, जहां पर यह सभा, जहां पर यह प्रोग्राम हुआ था, उस जगह का नाम क्या है? चुल्लबग, जो कि वैशाली में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था? चुल्लबग, जो कि अपने वैशाली, बिहार में पड़ता है। वैशाली से कौन कौन है फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कहां हुआ था और इसमें क्या कार्य हुआ था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रहे। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे, ठीक है। सारी चीजें
वैसे बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं, तब भी आपके लिए जो जरूरी है वो बताना जरूरी है। चलिए अब है आपका तृतीय बौद्ध संगीति, ध्यान से सुनिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो कहां पर हुआ था, कब हुआ था? सबसे पहले ये जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था प्यारे बच्चों? तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय प्रोग्राम जो है वो हुआ था 250 ईसा पूर्व में। जब ये हुआ था तो उस वक्त में जो राजा था, जो शासक था, उनका नाम था अशोक। जी हाँ, अशोक का शासनकाल पता है कि नहीं? अशोक किस मतलब कि कौन से मतलब कि इसके राजा थे? मौर्य साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, याद है कि नहीं? मौर्य साम्राज्य के कितने राजा थे? तीसरे नंबर का राजा थे, तीसरे नंबर का चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि मौर्य साम्राज्य को बनाया था, उसी का पोता था जिसका नाम था अशोक, ठीक है। तो जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी प्यारे बच्चे, उस वक्त में कौन सा मतलब कि ईसा पूर्व में हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस वक्त में जो राजा था, जो शासक था, उनका नाम क्या था? अशोक था, जो कि मौर्य वंश से था। ये तो सबको पता होगा, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इन तीनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई या फिर उस वक्त में राजा कौन था। तो राजा था अशोक, जो कि मौर्य वंश से था। अच्छा, ये कहां पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि मगध की राजधानी थी। तो ये तो आप सबको पता है मगध की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति में भी कुछ कार्य हुआ था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम आपको बताएंगे। देखो कार्य इसमें क्या कहा गया था, ध्यान से सुनिए। इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया, यानी कि इस संगीति में ये जो प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पर जो महात्मा बुद्ध का जो भी उपदेश दिया गया था, उपदेश का मतलब होता है निर्देश, उपदेश, भाषण, जो लोगों के लिए जरूरी हो, जो लोगों के लिए कल्याण करता हो, है ना, लोगों के जिंदगी के लिए जरूरी हो, उसी को उपदेश कहते हैं, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो उसको जो है यहां पर जमा किया गया, संकलन किया गया, तथा तृतीय पीटक अभिधम्म पीटक का संकलन किया गया। समझ में आ गया, अभिधम्म पीटक का संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। तीनों पीटकों को त्रिपीटक नाम से संबोधित किया गया। समझ में आ गया। तो जो हम लोगों ने पहला बौद्ध संगीति देखे थे, वहां पर विनय पीटक के बारे में हम लोगों ने देखा, और एक पीटक के बारे में देखा, सुत्त पीटक, विनय पीटक के बारे में हम लोगों ने वहां पर देखा। जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वहां पर हम लोगों ने विनय पीटक और सुत्त पीटक, ये दोनों के बारे में देख लिए। अब जो फिर तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, जहां पर जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिया गया था, उसको भी एक जगह संकलन किया गया, एक जगह जमा किया गया, और उसको भी एक बक्सा में रखा गया, एक पीटक में रखा गया, जिसका नाम पड़ा अभिधम्म पीटक। और ये तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला करके इसका नाम पड़ा त्रिपीटक, त्रिपीटक। तो थोड़ा बहुत कल क्लियर हो गया था, आज जो है पूरा क्लियर हो गया, त्रिपीटक। चलिए जैसे भी है, ये गलत लिख दिए हैं, तो त्रिपीटक आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, त्रिपीटक आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो ये तीनों पीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये तीनों को मिला करके एक नाम पड़ा, जो एक संबोधित किया गया एक नाम से, जिसका नाम पड़ा त्रिपीटक। मतलब तीन पीटक है उसमें, तीन कटोरी है, तीन टोकरी है, ठीक है, तीन टोकरी, त्रिपीटक का मतलब तीन टोकरी। और ये अभिधम्म पीटक में क्या था? तो बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिया गया था, उसी का संकलन किया गया। कब? अशोक के शासनकाल में। समझ में आ गया आपको चीजें, तृतीय बौद्ध संगीति हो गया। अब आप समझ गए, हमको 100% लगता है। अब देखिए, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये कब हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम ईसा पूर्व में जो है ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और ये जब हुआ था, उस वक्त में जो राजा थे कौन थे? कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंश के राजा थे, ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था, उस वक्त में राजा कौन थे, जिसका नाम क्या था? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। और स्थान जहां पर हुआ था वो था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो पहला बौद्ध संगीति है और जो तीसरा बौद्ध संगीति है, ये दोनों जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला बौद्ध संगीति और तीसरा बौद्ध संगीति, याद रखिएगा ये दोनों। बाकी ये इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ाई दी है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए फटाफट। अब आगे देखो बौद्ध धर्म की परंपराएं, बौद्ध धर्म की परंपराएं, और आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पता होगा महायान और हीनयान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और पूछा जाता है प्रश्न कि महायान का संबंध किससे है, हीनयान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की दो परंपराएं थी, एक था महायान और एक था हीनयान। महायान का मतलब होता है बुद्ध को भगवान समझना, महायान का मतलब होता है बुद्ध को भगवान समझना, और हीनयान का मतलब होता है बुद्ध को इंसान समझना, ठीक है। तो दोनों चीज यहां पर कहा गया है, बुद्ध को भगवान समझना जिसका मतलब हो गया महायान, और बुद्ध को इंसान समझना जिसका मतलब हो गया हीनयान, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, बहुत आसान, अब आगे देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ ये दोनों वर्ड आपको समझ में आए, ये काफी है। अरे प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो। चलिए, महायान बौद्ध मत का विकास, देखिए ध्यान से, महायान बौद्ध मत का विकास। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है पापों की मुक्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति, पापों की मुक्ति, जो अपना पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो अपना गुनाह को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के विशेष महत्व दिया गया था, ठीक है।
परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि वह मुक्ति दिलवा सकते हैं। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। समझ में आ गया, कहने का मतलब आपने जितना भी गलती किया, आपने जो भी गलती किए होंगे, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी गलती की हुई है, तो ये महायान बौद्ध का जो मत का जो विकास था, महायान, महायान का मतलब क्या हो गया, बुद्ध को भगवान समझना, तो ये जो है कहा कि आप अपना मुक्ति पा सकते हैं। कल्पना उभरने लगी तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि वह मुक्ति दिलवा सकते हैं, क्योंकि उसको आपको भगवान समझना है। महायान का मतलब हो गया, अगर आप महायान मतलब अगर आप उसको भगवान समझेंगे तो इसका मतलब क्या है, भगवान ही तो है जो कि सारा चीज करता है, तो इसका मतलब वो आपको मुक्ति दिलवा सकता है। तो ठीक वही चीज कहा कि वो जो है आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं, ऐसा वो कहा। चिंतन की इस नई परंपरा को ही कहा गया महायान। बहुत आसान है, ये पूछा भी नहीं जाता, इसको छोड़िए, बस पूछा क्या जाता है कि महायान और हीनयान में क्या संबंध है, या महायान और हीनयान किसे संबंध है, तो बौद्ध धर्म से। अगला है हीनयान, जिसको हम लोग कहते हैं थेरवाद, जिसको क्या कहते थे, थेरवाद, और थेरी का मतलब आपको बताए थे हम, थेरी का मतलब जो कि उनके माताजी थी, उनकी मौसी थी, किसका, गौतम बुद्ध का मौसी, तो वो थेरी को अपना लिया था बाद में। अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। महायान के अनुयायी यानी कि महायान के जो फॉलोअर थे वो दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, ठीक है, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। मतलब महायान के जो फॉलोअर थे वो क्या करते थे, जो दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थक थे उसको वो हीनयान के अनुयायी कहता था, और पुरातन परंपरा के जो अनुयायी थे उसको वो खुद को वो क्या कहते थे, थेरवादी कहते थे। तो ये आपका हीनयान और थेरवाद हो गया। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है नियतवादी। ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, पूछा नहीं जाता है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फटाफट हम लोग इसको टपते हैं। देखो नियतवादी क्या होता है, ऐसे लोग को नियतवादी कहा गया जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी कि सब कुछ पहले से तय है। ये प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका परंपरा के थे। अच्छा नियत का मतलब आप समझते हैं ना, नियत का मतलब क्या हो गया, किसका नियत ही खराब था। कहने का मतलब देखो, कोई चीज अगर आप जा रहे हैं कोई आपसे गलती हो गई, ठीक है, तो जो आपको नहीं जानते वो क्या बोलेगा, इसका नियत ही खराब था। मतलब ये पहले से ऐसा सोचता था, ये चाहता ही यही था, इसका नियत ही खराब था, है ना। तो नियतवादी का मतलब वही होता है कि ऐसे लोगों को नियतवादी कहा गया जो विश्वास करता था कि सब कुछ जो है वो पहले से तय है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में जो भी चीज है वो पहले से लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि वो पहले से तय है, तो उसी को कहा जाता है नियतवादी। समझ में आ गया। अगला है भौतिकवादी। भौतिकवादी क्या होता है, तो द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी का संज्ञा दिया गया। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, जिस कारण अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है द्वितीय गद्यांश, इसको जो है क्या कहा गया, यह प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका परंपरा के थे। ये कौन थे, आजीविका, जो नियतवादी के लोग थे, जो इस तरह का लोग थे जो नियतवादी गुण को रखता था, तो उसको कहा गया प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका की परंपरा के ये थे, ठीक है। अब जो भौतिकवादी है वो आपका हो गए द्वितीय, यानी कि कहने का मतलब द्वितीय गद्यांश के उपदेशक हो गए, ये द्वितीय ये प्रथम, ठीक है। तो ये हो गए लोकमत परंपरा के, और ये हो गए आपका आजीविका परंपरा के। तो नियतवादी जो है वो आपका हो गया आजीविका परंपरा के, और जो भौतिकवादी है वो आपका हो गया लोकायत परंपरा के। लोकायत परंपरा के जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी का संज्ञा दिया गया। तो सिर्फ याद रखिएगा, भौतिकवादी जो संज्ञा है वो दिया गया था किसको, लोकायत परंपरा के लोगों को, जो कि द्वितीय गद्यांश के उपदेशक थे। समझ में आ गया। आगे देखो, उतना दिमाग नहीं लगाना प्यारे बच्चों इसमें। अब देखो शुरू होता है अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है जैन धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अब बौद्ध धर्म की जो कहानी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एनसीईआरटी में आपका पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर था, थोड़ा सा कहीं पर, थोड़ा सा कहीं पर, बौद्ध धर्म गया काम से। तो आपका जो बौद्ध धर्म था, जो सुत्त पिटक था, सारा खत्म, स्तूप और बौद्ध धर्म खत्म। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका जैन धर्म, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, जो धर्म की शिक्षाएं 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले ही प्रारंभ में प्रचलन में थी। कहने का मतलब क्या है, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में लोग क्या सुने कि बौद्ध धर्म जो आया था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले बौद्ध धर्म आया था। लेकिन जैन धर्म जो है वो एक्चुअल में तो 600 ये भी उसी समय आया था जब बौद्ध धर्म आया था, लेकिन जैन धर्म के पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्चा था। मतलब क्या, इसको और अच्छे से समझिए, देखिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैन धर्म जो आपका है प्यारे बच्चों, जैन धर्म जो है अगर सही माने में हम लोग देखें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म जो है वो 600, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में आया, कन्फर्म। अच्छा जैन धर्म को लाने वाला का नाम क्या था, महावीर, है ना,
महावीर, महावीर, महावीर का बचपन का नाम भी लिख देते हैं वर्धमान, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, और इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और सॉरी, महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। अब हुआ क्या, जैन धर्म जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर। अब तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थकर का मतलब होता है, तीर्थकर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, शिक्षक। ये वर्ड बार बार आएगा इसलिए आप लोग रट लीजिए इसको। तीर्थकर का मतलब होता है शिक्षक, यानी कि जैसे एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, उसी को जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता है, ठीक है। तो जो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, ये जो महावीर था, महावीर जो था ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे, यानी कि इससे पहले 23 शिक्षक आ चुका था, 23 टीचर आ चुका था। इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये महावीर 600 ईसा पूर्व में ये धर्म को लेके आया था, इस धर्म को सही माने में जो इसके बारे में लोगों को पता चला, वो कब पता चला? 600 ईसा पूर्व में। लेकिन इससे पहले 23 शिक्षक, 23 तीर्थकर आ चुका था, जो कि इसी धर्म के बारे में बताता था। कहने का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझिएगा, अगर आप थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में आइएगा तो इस्लाम धर्म के बारे में क्या कहा जाता है आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा आप बायोग्राफी को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो इस्लाम का जो उदय है वो ऐसे कब कहा जाता है कि 600 ईस्वी में हुई है, 600 ईस्वी में, है ना, 600 ईस्वी में। लाने वाला कौन है? प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, यानी कि जो नबी है प्रोफेट मोहम्मद, उसी को प्रोफेट को नबी या फिर मैसेंजर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस्लाम धर्म जो है वो रियल एक्चुअल में जो सही माने में जो लोग जाना, इस्लाम धर्म कब आया? 600 ईसा पूर्व में। लेकिन जब आप इनके बारे में देखेंगे तो ये जो है आखिरी नबी थे। आखिरी नबी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भी हम आपको समझाते हैं। ये जो है आपका था आखिरी नबी, यानी कि आखिरी प्रोफेट, एंड सबसे पहला जो है उनका नाम क्या था? आदम, जिसको हम लोग एडम के नाम से भी जानते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, ठीक है, एडम। देखिए तो ऐसे क्या कहा जाता है कि जो इस्लाम है वो सबसे पहले आया था, पूरी दुनिया में जो इस्लाम है वो सबसे पहले आया था। उसके बाद इब्राहिम, हजरत इब्राहिम आए, प्रोफेट इब्राहिम आए, मतलब बहुत सारे नबी आए थे, टोटल 1,24,000 समथिंग कुछ। तो इस्लाम का जो उदय है वो एक्चुअल में कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। लेकिन इससे पहले भी जो भी नबी आते थे, जो भी प्रोफेट आते थे, वो इस्लाम के बारे में ही बताता था। वो किसके बारे में बताता था? इस्लाम के बारे में। होता क्या है एक्चुअली, देखो होता क्या है, मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ आपको बताएगा ना, तो वो चीज़ क्या होगा, आप अगर उसको ए सुने तो आप ए ए ए फॉलो करिएगा, फॉलो करिएगा ए ए, फिर आप अपने बच्चों को बताए तो ए, लेकिन उसको लगा कि शायद आप बी बता दिए, फिर आपका बच्चा जो है वो बी सुन लिया, फिर वो बी 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 करके फिर वो सी में चला गया। मतलब धीरे धीरे ना चेंज होते रहता है, चेंज होते, फिर लोग रास्ता से भटक जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आता था, जो भी प्रॉफिट आता था, तो उस वक्त में वो सीधा रास्ता को बताता था, वो इस्लाम के बारे में हो सकता है बताता था, लेकिन वो फिर रास्ता को भटक जाता था, फिर इस्लाम को छोड़ देता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो प्रॉफिट है, इससे पहले कितने लोग आए थे? 1,24,000, 1,24,000, समझ में आ गया। जैसे हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, तो ये जो है आपका 24वें तीर्थंकर थे, इससे पहले 23 शिक्षक आ चुके थे, यानी कि जैन धर्म की जब स्थापना हुई थी तो जब महावीर, भगवान महावीर आए थे तो वो 24वें नंबर के शिक्षक थे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 24वें नंबर के शिक्षक थे। लेकिन इससे पहले 23 शिक्षक आ चुका था, जो कि जैन धर्म के बारे में ही बताता था, लेकिन लोगों को हो सकता समझ में नहीं आता था, या फिर लोग समझते थे फिर भूल जाते थे, या फिर लोग समझते थे फिर धीरे धीरे रास्ते भटक जाते थे। ठीक वैसे ही 1,24,000 प्रॉफिट, 1,24,000 नबी आए थे, क्योंकि इस्लाम के बारे में बताता था, लेकिन हो सकता लोग भटक जाते थे, उस चीजों को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। तो फिर आखिरी जो आया प्रॉफिट, जिनका नाम प्रॉफिट मोहम्मद था, जो कि इस्लाम के बारे में बताया, कब? 600 ईस्वी में। इसलिए कहते हैं कि ये 1400 साल पहले इस्लाम आया, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो ये बहुत पहले आया, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, अगर 1,24,000 प्रॉफिट आया होगा, अगर ये 100 साल या फिर 50 साल करके भी जिया होगा, तो ये कितना साल हो जाता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, चीज़ें समझ में आ रही है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग जैन धर्म के बारे, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके, फिलहाल थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दिए। तो जैन धर्म, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, ठीक है। और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 6वीं सदी पूर्व से पहले से भारत में प्रचलन थी। कहने का मतलब है जो भी शिक्षा थी वो आया तो रियल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, लेकिन इससे पहले ही जो है इसका शिक्षा आ चुका था। क्यों? क्योंकि इससे पहले 23 शिक्षक आ चुका था, 23 तीर्थकर आ चुका था, तीर्थकर का मतलब शिक्षक, ठीक है। और महावीर जो है वो 24वें नंबर के थे, इसका मतलब क्या हुआ? 23 शिक्षक, वो भी तो कुछ बता रहा होगा ना, लेकिन हो सकता है लोग उससे फॉलो नहीं करते होंगे।
जैन धर्म जो है वह श्रवण परंपरा से निकला है तथा इसके प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, तथा जो अंतिम तीर्थकर है जिसको आप लोग जानते हैं महावीर स्वामी के नाम से। कहने का मतलब क्या है कि जैन धर्म जो है ये भी कौन से परंपरा के थे, श्रवण परंपरा से निकले थे। और श्रवण का मतलब हमने आपको बताया है, ये भी बिल्कुल घूमते फिरते ये जो है वैसे ही मतलब घूमते फिरते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना मन मगज, ठीक है। तो जैन धर्म जो है वो आपका श्रवण परंपरा से निकला है। और इसके जो प्रथम तीर्थकर थे, यानी कि टोटल 24 तीर्थकर था, 24 तीर्थकर में जो पहला शिक्षक था, तीर्थकर को जो है ना हम लोग यहां पर शिक्षक बोलेंगे, ठीक है। तो जो पहला शिक्षक था, जो पहला टीचर था, उसका नाम था ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते थे। और जो अंतिम था उसका नाम क्या था, महावीर स्वामी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। समझ में आ गया? तो जैन धर्म के अनुसार उस महावीर से पहले टोटल 23 शिक्षक आ चुके थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। अब तीर्थकर क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर पूछ दिया जाए तो देखिए, तीर्थकर वह महापुरुष होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। अब जीवन की नदी के पार का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपको सही बातें बताना, आपको मुक्ति दिलाना इस दुनिया के भ्रम में जो आप जी रहे हैं, क्योंकि हर जीवित चीजों को मरना है, मौत का मजा चखना है। तो ठीक वही कहते हैं कि जो भी तीर्थकर होता है वो समझाता है कि आप गलत रास्ते पर मत जाओ, आप सही रास्ता अपनाओ, आप सही रास्ते पर चलो, किसी से मत जलो, किसी का मत बुरा सोचो, ठीक है। तो तीर्थकर जो होते थे वो पुरुषों को और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे, मतलब उनको अच्छी बातें बताते थे और ये जो जिंदगी है इससे उनको पार, उस जिंदगी के बारे में बताता था जो आगे उनको गुजारना है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों से प्रचुर मात्रा में है, यानी कि इनको सिद्ध करने वाले कि जैन धर्म सही में बहुत पहले आए थे, तो इसके पीछे भी बहुत सारा ग्रंथ मिलता है जहां पर जैन धर्म के बारे में 600 शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ये जैन धर्म था या नहीं था इनके बारे में लिखा हुआ बहुत सारे ग्रंथ में, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर ये जो है जैन पंथ के दो संप्रदाय है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका VVI, आप इसको कह दीजिए कि जैन धर्म के टोटल दो संप्रदाय था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर, ठीक है। और जैनों के प्रार्थना स्थल, यानी कि जो जैनों के मंदिर होते हैं, जो जैनों के प्रार्थना स्थल होते हैं जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है जिनालय या फिर मंदिर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैन का जैसे हिंदू धर्म का मंदिर, इस्लाम का मस्जिद, उसी तरीके से जो जैन धर्म है उनका कहा जाता है जिनालय, या फिर इसको कभी कभी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अब बाकी ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ये दो संप्रदाय है, तो इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो PDF ले लिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए फटाफट, भगवान महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा भगवान स्वामी महावीर स्वामी का जो जन्म है बच्चों वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, वैशाली बिहार में हुआ था। ये उसके आगे भी एड्रेस है, जैसे तुरुकुंड ग्राम, एक उसका गांव का नाम क्या है, तुरुकुंड ग्राम, जो कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में ये अभी स्थित है, ठीक है। तो वहीं पे जो है इनका जन्म हुआ था। तो अभी आप सिंपली जब उस वक्त में जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, तो वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है उसी के पास एक गाँव है, उसी के पास जिसका नाम है तुरुकुंड ग्राम, जो कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में है, ठीक है। कब हुआ था, 540 में। उनका वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों, वास्तविक नाम कह दीजिए या फिर इसको आप कह दीजिए कि बचपन का नाम, ठीक है, दोनों चीज पूछा जा सकता है। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन इनका जो बचपन का नाम था वो है वर्धमान, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके माताजी का नाम था त्रिशला। इनके माताजी का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम क्या था, महामाया, ठीक। उसके माताजी का नाम क्या थी, त्रिशला। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उनके पत्नी का नाम क्या था, राजकुमारी यशोदा। यशोदा वो था यशोधरा। देखिए दोनों चीज में अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोदा। यशोदा, ये यशोधरा, ये यशोदा, दोनों में अंतर है, ठीक है। पाशरोनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, मतलब वो भी अपना घर छोड़ दिया। जैसे पाशरोनाथ जो है ये आपके 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर मतलब ये 23वें नंबर के शिक्षक थे। भगवान महावीर जो है वो थे 24वें नंबर के और ये थे 23वें नंबर के, ठीक है। तो पाशरोनाथ ये नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, जैसे महावीर नाम है उसी तरीके से पाशरोनाथ भी नाम है। तो पाशरोनाथ जो है वो भी क्या किया था, अपना घर को 30 साल की उम्र में छोड़ दिया था। तो ठीक उसी की तरह जो भगवान महावीर स्वामी है ये भी जो है 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की एज में अपना गृह त्याग दिया, यानी कि अपना घर को छोड़ दिया। एकदम समझिए कि अपना घर को छोड़ के अपना सन्यासी वाला रास्ता अपना लिया है ना, अपना घर को छोड़ के गृह त्याग कर रहे, इसी को कहते हैं। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन सात कहलाए, कहने का मतलब है समस्त इंद्रियों पर
विजय प्राप्त करने के कारण वे क्या कहलाए, जिन सात कहलाए। अब इंद्रिया क्या होता है, तो इंद्रिया का मतलब होता है नफ्स, कहने का मतलब है जैसे आप किसी को देखते हैं तो आपको बुरा ख्याल आता है, किसी के प्रति किसी से आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, चाहे वो लड़की के बारे में लड़का लड़की के बारे में सोचता हो, लड़की लड़का के बारे में सोचता हो, तो ये क्या हो गया, इंद्रिया हो गया। तो इसी पर कंट्रोल करना, जो कि भगवान महावीर बहुत अच्छे से जानते थे कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करते भी थे, है ना। जैसे किसी को देख लिया अपना नजर झुका देना, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचना, किसी को लेकर के कुछ गलत ख्याल मत करना, तो इसी की वजह से इसको कहा गया जीन। जीन्स आप लोग देखो ना, जीन के बारे में सुने होंगे, संभवतः इसलिए उनके अनुयायी जो है जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावनों में इन्हें 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा उनके जो अनुयायी है वो जैन क्यों कहलाए, तो हो सकता है क्योंकि वो जो है इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना जानते थे, जिसके कारण उनको जीन कहा गया, और इसीलिए उनके जो फॉलोअर है, उनके जो मतलब कि फॉलोअर है, उनको जो मानते हैं, उनको कहा गया ये जैन। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। और 72 वर्ष की आयु में जो है वो पावन में इन्हें 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जैन धर्म का परिचय, सॉरी, भगवान महावीर स्वामी का परिचय आप लोगों ने देख लिया। माता का नाम याद रखिएगा त्रिशला, पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोदा, पिताजी का नाम सिद्धार्थ। आपको हमको लगता है याद हो गया होगा, बहुत आसानी है। चलिए अब महावीर के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा भी कुछ कुछ संदेश दिया गया था, जो कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। महावीर का संदेश, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान जीवित है, यानी कि जैन धर्म में सबसे बड़ी जो बात कही गई है वो क्या है कि पूरी दुनिया में सारी चीज़ जो है वो जीवित है। कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये कौन सी नई बात हो गई। देखो जैसे पेड़ क्या है, जीवित है, हम लोग क्या है, जीवित है, जो सांस लेता है वो जीवित है, जी ये तो है ही है, लेकिन जो चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेबल कुर्सी, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपी कलम पेन, जितना भी निर्जीव चीज़ है उसमें भी जान है। किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म में कहा गया है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यही है कि संपूर्ण विश्व, पूरा जो दुनिया है, प्राणवान है, यानी कि जीवित है। और माना जाता है कि पत्थर जल चट्टान इसमें भी जीवन होते हैं। ये किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि ये जो जन्म पुनर्जन्म है ये हिंदू धर्म भी है, साथ ही साथ जैन धर्म भी है। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि शायद पुनर्जन्म मरने के बाद फिर से दोबारा से जन्म होता होगा। देखिए इस्लाम धर्म भी जन्म का है, लेकिन ये पुनर्जन्म इस्लाम में भी है लेकिन दुनिया में नहीं है, वो है क्या, आखिरत में, यानी कि स्वर्ग में, या फिर कह सकते हैं कि आखिरत में, जो कि दुनिया में नहीं है। लेकिन इन धर्मों में जो पुनर्जन्म का सिस्टम है वो क्या है कि दुनिया में ही जन्म होता है। तो जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र यहाँ पर भी है, और किस लिए, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं उसके अनुसार आपका जन्म होगा सही जगह में। तो जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि आप जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, सही काम करते हैं, उसी के अनुसार जो है आपका जन्म और पुनर्जन्म जो है डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो जन्म और पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है। तथा कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। और अगर आप इस तरह का कर्म के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप जो भी पाप कर चुके हैं, जो भी गुनाह कर चुके हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो त्याग करना, छोड़ना सारी चीज़ों को, चाहे वो बुरी चीज़ें हों, चाहे वो आप शराब पीते हो, चाहे किसी तरह का गलत नशा करते हो, धूम्रपान करते हो, उन चीज़ों को छोड़ना, साथ ही साथ तपस्या करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जिंदगी सही हो। ये किसका संदेश था, महावीर का संदेश था, ठीक है। अब देखिए, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। व्रत का मतलब तो वैसे क्या होता है, फास्टिंग होता है ना, रोजा होता है। व्रत का मतलब रोजा होता है, लेकिन यहाँ पर व्रत का मतलब रोजा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, संकल्प। संकल्प यानी कि ये चीज़ को मानना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा अगर आप जैन धर्म में रहेंगे तो। वो क्या क्या है प्यारे बच्चों, देखिए तो जैन धर्म में, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा प्लीज़, जो PDF नहीं लिए, जो लिए उनको मिल जाएगा। तो जैन धर्म में टोटल 5 सिद्धांत है, 5 संकल्प है। पहला अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करना का मतलब सिर्फ चोरी नहीं करना नहीं, किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी एक प्रकार का चोरी है। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कहा जाता है कि अपने से नीचे के लोगों को देखो। मान लो आपके पास साइकिल है, आप बाइक वाले को देख रहे हो, और आपके पास बाइक है, आप कार वाले को देख रहे हो और ललचा रहे हो कि काश मेरे पास होता, यहां तक ठीक है, लेकिन अब इसके पास क्यों है, आपको लालच लग गया वगैरह वगैरह सोचते हो। ये हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म में जो पहला टॉपिक है, एक चोरी नहीं करना, इसका मतलब होता है अस्तेय। और एक चीज मना किया, वो क्या कि किसी का सामान को देख करके ललचाना भी नहीं है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया, ये पहला। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, सारे धर्म में पाया जाता है। अहिंसा, हत्या ना करना,
किसी भी जीव का हत्या ना करना, ये जो है जैन धर्म का मेन कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब भी वही हुआ कि ये बहुत ब्रह्मचर्य है। कहने का मतलब क्या हो गया, अपना इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपना नफ्स पर कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में रखना, यानी कि यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। समझ में आ गया, कोई गलत चीज़ों पर जो आप पड़ जाते हैं, आप किसी तरह का गलत हरकत करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे अपने साथ करते हैं या दूसरों के साथ करते हैं, किसी भी तरह का कुछ करते हैं, तो ये इसको कहा गया कि आप ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं। तो जैन धर्म में इस कॉन्सेप्ट को लिया गया कि अपने इंद्रियों पर, इंद्रियों का मतलब अपने जो भी सेक्सुअल डिज़ायर है, ठीक है, उसी पर कंट्रोल करना, ये आपका ब्रह्मचर्य का सिद्धांत हो जाएगा जो कि जैन धर्म में है। उसके बाद अपरी घर है, यानी कि धन संग्रह ना करना, यानी कि प्रॉपर्टी जमा नहीं करना, ये भी जैन धर्म में, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी जमा हो रहा है तो उसको आपको जमा नहीं करना होगा अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं। तो समझ में आ गया, तो पहला चोरी नहीं करना, दूसरा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, किसी का जान नहीं लेना, हत्या ना करना, ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, साथ ही साथ अपनी ग्रह धन संग्रह ना करना, ठीक है। तो ये जो आप लोग गलत गलत चैट करते हैं, ये सब चीज़ बंद कर दीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर थे, है ना, अंतिम तीर्थकर मतलब लास्ट, इसके बाद और कोई नहीं आया, जैसे प्रोफेट मोहम्मद उनके बाद और कोई नहीं आया, ठीक वैसे अंतिम तीर्थकर इसके बाद और कोई नहीं आया। समझ में आ गया आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही है। तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे, 24, और इसके बाद और कोई नहीं आया। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का नाम क्या हो गया, महावीर स्वामी, भगवान महावीर, ठीक है जी। आगे श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन पंथ के दो संप्रदाय थे, यानी कि एक श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। प्रश्न आपको पूछा जाता है, बताओ श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, ये जो है जैन धर्म से है। 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है, भगवान महावीर स्वामी। जैनों की प्रार्थना स्थल को हम लोग जिनालय कहते हैं या मंदिर कहते हैं, याद रहेगा, जैनों की यानी कि जैन धर्म के जो मंदिर होते हैं या फिर जैन धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों जिनालय, समझ में आ गया, या फिर कभी कभी इसको मंदिर भी कहते हैं। अब जैन धर्म का विस्तार को थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। देखिए, बौद्ध धर्म की तरह जैन विद्वानों ने भी संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन यानी कि ग्रहण किया। धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत के कई भागों में फैलने लगा। देखिए, ये बौद्ध धर्म के जैसा तो नहीं फैला है, लेकिन ये भी बौद्ध धर्म के ही जैसा अपने जो बातें थी उनको संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया, प्राकृतिक नहीं, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था उनको समझने का प्रयास किया, जो भी प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ था उनको समझने का प्रयास किया, जो भी तमिल भाषा में लिखा हुआ था उनको भी ग्रहण किया, उनको भी समझने का प्रयास किया कि आखिर उस वक्त में जो भगवान महावीर स्वामी थे वो क्या क्या बातें कही थी जो कि हम लोग समझेंगे और फिर इस चीज़ों को फैलाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैन धर्म भी जो है भारत के कई भागों में फैल गया। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थकरों के उपासकों, भक्तों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। समझ में आ गया, यानी कि धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो कि तीर्थकों के उपासकों का मतलब भक्त होता है, उपासक का मतलब भक्त होता है, तो जो भक्तों के द्वारा बनाई गई थी मूर्तियां जो भी बनाई गई थी वो पाई गई है। बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां जो कि भक्तों के द्वारा बनाई गई थी जो कि पाई गई है, और मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में ये जो प्राचीन मूर्तियां प्यारे बच्चों जो कि धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है वो पाया गया है, और ये बनाया गया था भक्तों के द्वारा, जैन धर्म के भक्तों के द्वारा। तो ये है जैन धर्म का विस्तार, थोड़ा बहुत उपमहाद्वीप में भी फैला था इसका मतलब हो गया, क्योंकि मूर्तियां पाई गई और अलग अलग भाषा में इसको ग्रहण करके फिर लोगों को अच्छे से समझाया, और भारत के लगभग हर जगह में आज जैन धर्म के भी फॉलोअर है, जैन धर्म को भी मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। एक है लोक परंपरा, ये लोक वो लोक नहीं है, परिलोक, भयंकर लोक, ये वो लोक नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, आप लोग कहाँ थे बताओ भाई, आप लोगों को बोले हैं कि क्लासेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग क्लास नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आप लोग अफसोस करने वाले हैं, इस तरह का कंटेंट आपको नहीं देने वाला है कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको चाहते हैं कि आप देखिए चीज़ों को रटने का क्या है, हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा देंगे, एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाओगे, 450 तो गारंटी है, इतना इस तरह का क्वेश्चन मेरे को आता है आपको करवा देंगे। लेकिन ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको नॉलेज भी हो, ताकि आप आगे चल के हिस्ट्री सब्जेक्ट नाम से आपको लगे अरे बहुत मज़ा आता है, ये सुन करके मज़ा आ जाए आपको, है कि नहीं, बस यही मेरा सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, सब्जेक्टिव करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, एग्जाम में 100% 450 गारंटी। लेकिन हम ये सब चीज़ क्यों करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भी करवा रहे हैं क्यों, ताकि आपको मजा आए, एकदम इंटरेस्टिंग जगह, एकदम मजा आए कि कुछ पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया, चलिए अब देखते हैं लोक परंपरा के बारे में। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इसी बात पर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग लाइक के ही भूखे रहते हैं। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि सुंदर स्त्रियां द्वारा वृक्ष को छुए जाने पर वृक्ष में
फूल खिल उठते हैं तथा फल होने लगते हैं। यानी कि जो लोक परंपरा था उसमें क्या है, कोई भी परंपरा होता है, एक परंपरा जिसका नाम पड़ा लोक परंपरा, तो इसमें यह माना जाता है कि कोई भी अगर सुंदर लड़की होती है, कोई भी अगर खूबसूरत लड़की होती है, वो अगर किसी पेड़ को छू ले, किसी पेड़ को अगर टच कर ले, तो उस वृक्षों में फूल खिल उठता है। जो फूल होता है वो फूल खिल उठता है, किसके वजह से, सुंदर स्त्री के छूने के वजह से, तथा फल होने लगता है और फल भी आ जाता है। ये लोक परंपरा में ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जानवरों, जो भी जानवर होते थे उसको मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब है, जैसे आज के दिन हम लोग कुत्ता को किस लिए प्रयोग करते हैं, तो किसी चीज़ को सूंघने के लिए, है ना, कोई हत्यारा है तो कुत्ता को लेके जाते हैं, उनको सूंघाते सूंघाते तो उसका प्रयोग एक तरीके से इंसान के रूप में हो गया, कि इंसान का काम है एक तरीके से उस तरह का काम करना कि पता लगा भाई कौन है, तो कुत्ता काम कर देता है एक तरह का, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लोक परंपरा के लोग थे वो जानवरों का जो प्रयोग करता था, वो मनुष्य का जो काम होता था उसको, उस काम को करवाने के लिए जानवरों का प्रयोग करता था लोक परंपरा के लोग। समझ में आ रहा आप लोगों को? आगे, गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यानी कि जो गज लक्ष्मी है ये क्या थी, सौभाग्य लाने वाली एक देवी थी, ये एक प्रकार का देवी था। सौभाग्य मतलब हुई किस्मत वाली, तो ये जो है किस्मत वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था, और इसको हमेशा हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। तो ये है आपका लोक परंपरा, 1, 2, 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए फटाफट आप लोग, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ये एनसीईआरटी में आपका छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है कि नहीं, जिसका जब जब जरूरत आता है समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, जो चीज़ों का जरूरत पड़े समझाने के लिए सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ जी सर, मिस्टर रियाज नए हैं क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट, जो भी नए स्टूडेंट हैं। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। यानी कि उदय का मतलब वही पैदा होना, उदय होना, और कौन सा धर्म, पौराणिक हिंदू धर्म। चीज़ें आपको समझ में आएगी, देख लीजिएगा। पौराणिक का मतलब आप ये समझिए कि जिस वक्त में ऋग्वेद वगैरह था, पुरानी पुरानी ग्रंथ थी, तो वहीं से इनके बारे में हम लोग को पता चला। देखो, हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा तथा शैव परंपराएं शामिल है। यानी कि हिंदू धर्म में दो तरह का परंपरा होता है। लोक परंपरा तो आप समझ गए ना, लोक परंपरा में क्या होता था, पेड़ को छूने पर क्या होता था, फूल खिल उठते थे और फल आ जाता था, ठीक है। अब ये आपका कौन सा परंपरा के बारे में पढ़ना है, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा, और ये दोनों का जो संबंध है वो हिंदू धर्म से है, ठीक है। तो देखो, हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा और शैव परंपराएं शामिल हैं। अब वैष्णव परंपरा क्या होता है, शैव परंपरा क्या होता है, इसको देखिए। यानी कि भगवान विष्णु की जो मानने वाले होते हैं वैष्णव परंपरा, और जो इससे संबंधित है शैव परंपरा, जो शिव जी से संबंधित है वो शैव परंपरा। देखो, वैष्णव परंपरा में विष्णु भगवान को तथा शैव परंपरा में शिव भगवान को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। समझ में आ गया, यानी कि जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं वो मानते हैं विष्णु भगवान को, उसके बाद जो शैव परंपरा के हैं वो मानते हैं शिव भगवान को। समझ में आ गया। आगे देखो, वैष्णववाद में कई अवतारों को आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई है। यानी कि जो वैष्णववाद है, वैष्णव परंपरा है, वहां पर कई अवतार है, कई अवतार के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई है। यानी कि कई अवतार है जहां पर पूजा वगैरह की जाती थी। अवतार का मतलब समझ रहे क्या, यानी कि नए रूप में पैदा लेना फिर से, जैसे राम जी किसी का अवतार, वो उसका फिर कोई अवतार, शिव जी का तो अवतार, इस तरीके से जो अवतार होता था, ठीक है। तो अवतार का मतलब फिर से एक तरीके से पुनर्जन्म लिया और एक नए अवतार में आ गया, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, 12th क्लास में उतना डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में आप लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे ही डिटेल ज़्यादा चले जाते हैं हम लोग। वैष्णववाद में कई अवतारों आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है, और यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। कहने का मतलब क्या हो गया, वही हो गया। मतलब कि आपको कोई बात बताया, फिर लोग धीरे धीरे फॉलो करता था, फिर सीधे रास्ते से भटक जाता था। जब सीधे रास्ते से भटक जाता था तो फिर से जो भगवान है वो दूसरा अवतार लेकर के आ जाते थे, ताकि लोगों को फिर से सही रास्ता दिखाए। तो ठीक वैसे ही इस परंपरा के अंतर्गत, यानी कि जो परंपरा है इसमें भी 10 अवतार का कल्पना किया गया है। 10 अवतार को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी 10 अवतार था, टोटल 10 अवतार, यानी कि 10 पुनर्जन्म हुआ था। यह माना जाता है कि पाप के कारण, यानी कि जब पाप बढ़ जाता था, जब गुनाह पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो विश्व रक्षा हेतु, पूरे दुनिया को बचाने के लिए, पूरे दुनिया की रक्षा करने के लिए जो भगवान है वो अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। जो भगवान है प्यारे बच्चों, वो अलग अलग रूपों में क्या लेते थे, अवतार लेते थे। महिलाएं और शूद्र जिन्हें साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, वो पुराणों को सुन सकते थे। और उस परंपरा में, यानी कि वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा में, जो महिलाएं थी, महिलाएं का मतलब तो समझ में आ गया कि महिलाएं, जो शूद्र था, अब शूद्र का मतलब क्या होता है, जो तीनों का सेवा करता था, एक ब्राह्मण, एक वैश्य,
एक था आपका सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्र का काम क्या था, ये तीनों का सेवा करना, जिसको सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो महिलाएं को साथ ही साथ शूद्र को, इन दोनों को साहित्य पढ़ने का भी सुनने का भी अनुमति नहीं था, परमिशन नहीं था। यानी कि इनको कहा जाता था कि तुम ना छू सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना सुन सकते हो, किसको, साहित्य को। लेकिन जो जो पुराण थे, पुराण टोटल पुराणों के संख्या कितनी है, 18। और पुराण का मतलब क्या होता है, हदीस होता है। तो पुराण जहाँ पर किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से, वही सारा चीज़ वही है, सही रास्ते पर किस तरीके से चलना चाहिए, तो पुराणों में बताया जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, किसको किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो पुराण को जो है वो लोग सुन सकते थे, चाहे वो महिलाएं हो, शूद्र हो, लेकिन साहित्य को नहीं, इस परंपरा में। कौन सी परंपरा में, वैष्णव परंपरा और शिव परंपरा में। और ये परंपरा भी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ था। समझ में आ गया, आगे देखिए। अब अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है आपका यज्ञ तथा विवाद। क्या है अगला टॉपिक, यज्ञ तथा विवाद। बस छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट खत्म कर देंगे। देखो, यज्ञ का अर्थ होता है शुभ कर्म, अच्छा काम, बलिदान, त्याग। यानी कि कोई अगर यज्ञ करवाता है तो इसका मतलब है कोई अगर अच्छा काम करवाता हो, कोई शुभ काम करवाता हो, या फिर किसी तरह का बलिदान देना हो, बलिदान का मतलब कुर्बानी, या किसी तरह का त्याग करवाना हो, कोई गुनाह हो गया हो, कोई पाप हो गया हो, उसका त्याग करवाना हो, तो ये जो है यज्ञ का अर्थ है, मतलब मीनिंग है। ठीक है, यज्ञ के समय लोग बेटे, मवेशी, लंबी उम्र, स्वास्थ्य तथा अपनी मन की इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी कि जब भी यज्ञ होता है, जब भी किसी तरह का पूजा होता है, जब भी लोग दुआ मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है, अपने 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 के अपने लिए, अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए, दादाजी के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छा काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेहत अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो। अपने कोई कोई बेटे के लिए पूजा मांगता था उस वक्त में, ज़्यादातर अभी भी वैसे ही है, बेटे के लिए ही मांगता है, बेटियों के लिए नहीं। मवेशी के लिए, जानवरों के लिए क्या होता था, पूजा करता था, दुआ मांगता था यज्ञ के समय, यज्ञ के दौरान लोग प्रार्थना करते थे। ठीक है, तो ये आपका यज्ञ हो गया। यज्ञ आप समझ गए क्या होता था, बलिदान, अच्छा कर्म, शुभ कर्म, बलिदान, त्याग, और उस वक्त में जो मांगा जाता है वो समझ में आ गया। अब देखिए यज्ञों की परंपरा, ध्यान से सुनिएगा। यज्ञ का खास तौर पर तीन अर्थ होता है प्यारे बच्चों, एक होता है दान, देव पूजा, संगठन। अब दान का मतलब तो डोनेशन सब जानते हैं, जब भी यज्ञ होता है तो इसका मतलब क्या, दान हो रहा है। यानी कि इसका मतलब जो तीन अर्थ होता है वो दान, मतलब डोनेशन, जो दान देता है, बहुत आसान है। दूसरा देव पूजा, ये भी आसान है, देवी देवताओं का पूजा करना, चाहे किस जिस भी देवी देवता में मानता है, जिस भी धर्म से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है संगठन, धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का उद्देश्य, मतलब क्या हो गया यज्ञ का मतलब। अब जैसे कहीं भी कोई पूजा होगा, कहीं भी किसी तरह का पूजा होगा, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग एक जगह आएंगे, फिर एक जगह आएंगे तो लोग आपस में मिलजुल करके बात करेंगे और एकजुट होंगे। तो धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का, यानी कि धार्मिक रूप से लोगों को मिलाना, ये भी यज्ञ का मतलब होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे किसी तरह का प्रोग्राम होता है, किसी तरह का कोई भी धर्म को लेकर के सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर लोग आते हैं, है ना, और कहीं पे पूजा होता है, कहीं पे किसी तरह का लोग पूजा करते हैं, या फिर कहें कि जैसे इस्लाम में नमाज पढ़ा जाता है, तो लोग एक जगह आते हैं, मस्जिद में आते हैं, मंदिर में आते हैं। उसी तरीके से जब यज्ञ होता है तो उसमें लोग एक जगह आते हैं। तो ये क्या हो गया, तीन अर्थ हुआ, एक तो दान, एक देव पूजा, एक संगठन। संगठन का मतलब धार्मिक रूप से लोगों को एक जगह जमा करने का उद्देश्य, यानी कि सभी लोग एक जगह आकर के आपस में बातचीत करें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करें। तो ये भी यज्ञ का एक खास मतलब होता है। ठीक है, धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ, चिंतन, व्यवहार इत्यादि की धारणाएं प्राचीन युग से चलती आ रही है। यानी कि ये जो धार्मिक विश्वास है, आपको धर्म में विश्वास रखना चाहिए, बहुत लोग नास्तिक बन जाता है, लेकिन क्या है कि आपको किसी जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हैं उसमें आपको विश्वास रखना चाहिए, चिंतन होने चाहिए कि अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, व्यवहार आपका बहुत अच्छी होने चाहिए। ये जो धारणाएं हैं वो प्राचीन से ही चली आती रही। मतलब आप अगर दादाजी से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, आपको कहेगा कि लोगों को जाके मारो, ऐसा कहेगा नहीं, कहेगा वो क्या कहेगा, अपने धर्म को मानो। वो क्या कहेगा कि चिंतन रहो, लोगों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में सोचो। वो क्या कहेगा कि अपना व्यवहार ठीक रखो ताकि लोग आपको अच्छा समझेंगे, अपना बिहेवियर हमेशा ठीक रखो, लोगों के सामने अपना कैरेक्टर को ढीला मत होने दो। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है पुरानी परंपराएं जो कि चलती आ रही है। हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी ऋग्वेद, अब ऋग्वेद को कब से कब तक लिखा गया था, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, है ना, ईसा मसीह के पैदा होने के 1500 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के पैदा होने से 1000 साल तक इसको लिखा गया था, यानी कि लगभग 500 साल ऋग्वेद में जो जिक्र है वो 500 साल का जिक्र है। तो हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, जो कि सबसे पुराने वेद है, वहीं से हम लोगों को जो वैदिक परंपरा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि उस वक्त में क्या परंपराएं चलती थी, किस तरीके से लोग होते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को इसी से मिलती है।
ऋग्वेद अग्नि इंद्र सोम आदि देवताओं की तारीफों का संग्रह है, यानी कि जो ऋग्वेद है वो किस चीज का संग्रह है, अग्नि का, इंद्र का, पूजा कैसे होता था, इंद्र के बारे में, सोम के बारे में, इन सभी देवताओं के बारे में जो है इसके मतलब कि ऋग्वेद में जो है संग्रह है, कलेक्शन है, यानी कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन है। चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये चीज़ समझ में आ गया, यज्ञों की परंपरा वगैरह पुरानी परंपरा बहुत लोग बहुत पहले से मानते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक समय में यज्ञ यानी कि शुरुआत में जो यज्ञ है वो कैसा होता था, शुरुआत में जो यज्ञ होता था वो कैसा होता था, और आज के दिन जो यज्ञ होता था होता है प्यारे बच्चों, आज के दिन कैसा यज्ञ होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, बताइएगा फटाफट। यस सर, मजा आ रहा है सर, चलिए जी, थैंक यू। ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक समय में यज्ञ, शुरू शुरू में यज्ञ जो है वो सामूहिक रूप से करने का प्रचलन था। कहने का मतलब है पहले जो यज्ञ होता था, जो पूजा होती थी, तो वो लोग मिल करके एक ग्रुप बना के करते थे, चाहे चार लोग, पांच लोग, दस लोग मिल करके एक समूह बना करके पूजा करते थे, यानी कि सभी लोग एक जगह मिल करके यह पूजा करते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के स्वामी मालिक के द्वारा किए गए, और फिर पहले तो एक मतलब कि मान लो पहले एक गांव से कई लोग आते थे जो कि पूजा करते थे, फिर बाद में ये चेंज होते होते अब क्या हुआ कि एक घर से ही चार पांच लोग चले गए, ठीक है, लेकिन बाद में फिर और बदल गया। तो पुराने में कैसे होते थे, या तो लोगों का समूह बना करके, या फिर जो स्वामी होता था, जो घर का मालिक होता था, उनके द्वारा पूजा करवाया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए यज्ञ के प्रकार, देखिए वैसे तो आप अगर SBPD किताब देखिएगा तो वहाँ पर यज्ञ का टोटल तीन प्रकार है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ रहे हैं, है ना, ये वैसे पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ रहे हैं जहाँ पर दो प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी SBPD पढ़ते हैं वहाँ देख लीजिएगा, तीन प्रकार दिया हुआ है लेकिन NCERT में दो प्रकार है, तो हम लोग दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि NCERT है। चलिए यज्ञ का प्रकार, यज्ञ का दो प्रकार था, एक था राजयूस यज्ञ, एक है अश्वमेध यज्ञ। और ये जो राजयूस यज्ञ था और ये जो अश्वमेध यज्ञ था, ये यज्ञ का प्रकार है, और ये बहुत महंगा यज्ञ होता था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता था, और ये बहुत दिनों तक चलता था। देखिए सबसे पहला क्या है, राजयूस यज्ञ, यह सम्राट का पद पाने के लिए किया जाता था, मतलब कोई अगर राजा होता था या कोई राजा बनने के लिए इस तरह का यज्ञ करवाता था, है ना, होता है ना कि कोई अगर आज के दिन भी कोई नेता बनना चाहता तो वो क्या करता, पूजा करता है, जिस भी धर्म से होता है वो अपने धर्म के अनुसार चीज़ों को पालन करता है, चीज़ों को मानता है। तो ठीक वैसे उस वक्त जो राजा होते थे वो राजयूस यज्ञ करते थे, राजयूस यज्ञ कहा गया उसको, यानी कि यह सम्राट का पद पाने के लिए, सम्राट का गद्दी पाने के लिए किया जाता था। यह राज्य अभिषेक के समय होता था, मतलब जब शपथ लिया जाता था उस वक्त में इस तरह का यज्ञ होता था, जब राज्य अभिषेक, जब उनको राजा बनाया जाता था, ठीक है, और दो वर्ष चलता था, और ये जो यज्ञ है वो दो वर्ष चलता था, दो वर्ष यानी राजा जब शपथ लेता था, समझ में आ गया। तो राजयूस यज्ञ दो वर्ष तक चलता था, ठीक है, और राजा जब शपथ लेते थे, जब अपना पद को पाने के लिए इस तरह का पूजा करवाते थे राज्य अभिषेक के दौरान। अब जो दूसरा यज्ञ है आपका वो है अश्वमेध यज्ञ, ये तीन दिन तक चलता था, ये चलता था आपका दो वर्ष, दो साल, और ये सिर्फ तीन दिन, ठीक है, और महत्वपूर्ण यज्ञ था, और ये भी क्या था, एक महत्वपूर्ण यज्ञ था, ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था, और जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था वो जो है इस तरह का यज्ञ करवाते थे। इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, और ये यज्ञ जब होता था, तीन दिन तक ये यज्ञ होता था, तो जब ये यज्ञ होता था तो उस वक्त में जो घोड़ा होता था ना, राजा का जो घोड़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता था, और फिर जब उसको छोड़ दिया जाता था तो वो जहाँ जहाँ तक घूमता था, जिस जगह पूरे मान लो वो 10 किलोमीटर घूमा वो घोड़ा, तो वो 10 किलोमीटर जो जगह है वो राजा का हो जाता था, ठीक है। तो और तीन दिन तक जितना घूमे, मान लो वो 100 किलोमीटर घूम गया तो 100 किलोमीटर जगह राजा का हो गया। तो इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जितने क्षेत्र में यानी कि जितने जगह में वह विचरण करता था, वो चलता था, दौड़ता था, वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था, और वह क्षेत्र जो है राजा के अंडर में आ जाता था, समझ में आ गया। तो आपका अश्वमेध यज्ञ, राजयूस यज्ञ, दोनों चीज समझ में आ गया। राजयूस यज्ञ दो साल चलता था, राजा पद पालने के लिए करता था, राज अभिषेक के दौरान होता था, अश्वमेध यज्ञ तीन दिन तक चलता था, और ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए होता था, इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था तीन दिन तक, घोड़ा जहाँ तक घूमता था वहाँ तक जो जगह है वो राजा होता था। और इस प्रकार के यज्ञ जो होते थे वो बहुत खर्चीले होते थे, है ना, इस प्रकार के यज्ञ जटिल भी होते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, बहुत तरह की यहाँ पर परंपराएं, बहुत तरह का नियम होता था, साथ ही साथ इसमें खर्च जो है वो थोड़ी ज़्यादा आते थे। अब तीन दिन चलेगा, उसमें दो साल चलेगा, इसमें सोचिए कितना खर्च आता होगा। इसमें सरदार तथा राजा के द्वारा किया जाता था, और क्योंकि खर्च आएगा भाई तो गरीबों के पास तो पैसा है नहीं, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, राजा के द्वारा, प्यारे बच्चों समझ में आ गया। चलिए अब देखिए आप वाद विवाद बहस, यानी कि इसमें भी कुछ कुछ बहस होती थी, बस छोटा सा टॉपिक है फिर ये जो लेक्चर वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी जो है वाद विवाद होता था, कहने का मतलब है कि बहस होता था चीज़ों को लेकर के, किस चीज़ों को लेकर के, जैसे होता ना कि लोग जो है
उसको बता करके भला फुसला करके अपना धर्म में परिवर्तन करवा लेना। अब देखो, कोई अगर अपने मन से धर्म परिवर्तन करे वो ठीक है, आप किसी को अपना धर्म की अच्छाई के बारे में बता सकते हैं, हो सकता है उसको मान करके आपके धर्म आए, लेकिन बहला फुसला करके आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो जो कि नहीं करना चाहिए। उस वक्त मैं करता था, तो यही है वाद विवाद बहस और चर्चा, मतलब इस टॉपिक पर भी बहस होता था, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। देखो, शिक्षक, शिक्षक का मतलब तीर्थकर, जो अपने धर्म के बारे में बताते थे, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो शिक्षक थे वो अपने बारे में बताते थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे। तो जो शिक्षक है वो जगह जगह जाकर के दर्शन या दुनिया के बारे में अपने समक्ष को लेकर सामान्य लोगों से बातचीत करते थे, यानी कि वो टॉपिक किस तरह शुरू करता था, दुनिया के बारे में, कि देखो ना आज हालत कितना खराब है, लोग आज क्या कर रहा है, लोग किस तरह गलत रास्ते पे जा रहा है ना, मतलब क्या ही हो रहा है समाज में, इस तरीके से टॉपिक को वो उठाता था। यानी कि शिक्षक अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, अगर आप मेरे धर्म अपनाएंगे तो यह चीज ऐसे होगा, मतलब वो जाता था और बताता था, फिर कहता था कि अगर आप इस धर्म में आते हैं तो इस धर्म में ऐसा है, उस धर्म में वो है, आपको बंटवारा नहीं मिल रहा, आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा, इस धर्म में आपको ये चीज़ मिलेगा, इस धर्म में इस प्रकार का आपको इज्जत मिलेगा, ठीक है। बाद में शिक्षक अपने अनुयायी यानी कि अपना फॉलोअर के साथ शिष्य बन जाते थे, और बाद में जो शिक्षक थे, जो तीर्थकर थे, वो अपने जो उनके जो शिक्षक का भी फॉलोअर होता था, है ना, जैसे आज के दिन जो बड़े बड़े पंडित हैं, जो बड़े बड़े बाबा हैं, उनके फॉलोअर हैं, बड़े बड़े मौलाना उनके भी फॉलोअर, उनके मानने वाले हैं, तो ठीक वैसे ही जो शिक्षक होता था उनको भी फॉलोअर था, उनका भी अनुयायी था, है ना। तो उनके जो शिष्य थे वो भी क्या होता था, यानी कि बाद में शिक्षक जो है वो अपने अनुयायी के साथ ही शिष्य बन जाता था, यानी कि अपने ही जो उनके मानने वाले थे उन्हीं के साथ वो भी घुल मिल जाता था, जिस कारण समय बढ़ने के साथ किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन घटते बढ़ते रहता था, ठीक है। आगे देखो, इन शिक्षकों में महावीर और बुद्ध शामिल है, और ये शिक्षक जो थे वो कौन थे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, है ना, ये भी ऐसे ही करते थे, अपने धर्म के बारे में बताते थे, फिर बाद में ये खुद नॉर्मल शिष्य के जैसा बन जाता था कि हम भी एक प्रकार का शिष्य ही हैं। वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे, और जब वेद उस वक्त में था उस पर सवाल उठाता था कि देखो यहाँ पर ये चीज़ ऐसा है, क्या ये चीज़ हो रहा है वेद में, देखो ये चीज़ गलत है, तो वेद पर जो है वो लोग सवाल उठाते थे, और उन्होंने यह भी माना कि मानव जीवन के दुखों से खुद को छुटकारा पा सकता है, और वो ये बात को भी बताया, जो बौद्ध और जो जैन धर्म के शिक्षक है यानी कि भगवान बुद्ध और महावीर जो हैं, वो ये भी बताया कि जो बौद्ध जो मनुष्य है मानव जीवन के जो भी दुख हैं वो खुद ही छुटकारा पा सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो कोई आकर के उसको छुटकारा देगा, बिल्कुल नहीं, वो खुद ही छुटकारा पा सकता है, ठीक है। तो अगर उसको छुटकारा पाना है तो उसको खुद ही कोशिश करना पड़ेगा। तो ये जो है हो गया वाद विवाद बहस और चर्चाएं, ठीक है। अगला देखो, ब्राह्मणवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति तथा लिंग से निर्धारित होता था, यानी कि ब्राह्मणवाद, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति का जो अस्तित्व होता था उसके जाति के आधार पर होता था, यानी कि वो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी के जाति के अनुसार उसका रुतबा होता था, उसका रौब होता था, मतलब अगर वो ब्राह्मण जाति में हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत, अगर वो सबसे छोटा जाति में हुआ तो उसको बिल्कुल इज्जत नहीं। तो ब्राह्मणवाद के अनुसार व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो उसकी जाति, लिंग, अब लिंग क्यों कहा गया, तो लिंग, अगर ये पुरुष है तो पुरुष को ज़्यादा इज्जत, अगर ये लेडीज है, महिला है, तो इसको बिल्कुल इज्जत नहीं, तो इस पर भी आधारित होता था, समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा उस वक्त में महिलाओं के साथ अन्याय होता था, वैसे आज के दिन भी होता है, ठीक है, बहुत जगह होता है। एक मणिपुर का आप लोग घटना सुने होंगे जो कि बहुत बुरा हुआ है, चलिए उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। मंदिरों का निर्माण लास्ट टॉपिक है आपका, बस उसके बाद खत्म। देखो, ये आपका मंदिर है ना, चकोटी टाइप का मंदिर, पहले जो बनाया जाता था वो चार कोनिया मंदिर बनाया जाता था, आज के दिन जैसे होता है ना एकदम बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर के बनते हैं, लेकिन उस वक्त में क्या था, बहुत साधारण सिंपल, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है नहीं, चलिए आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा चकोर मंदिर, देख लीजिए। सांचे का स्तूप के साथ साथ मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे, यानी कि सांचे का स्तूप जैसे था, सांचे का स्तूप है ना, तो ठीक वैसे ही मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर भी बनवाए जाते थे, मूर्ति को रखने के लिए। प्रारंभ में मंदिर जो है वो एक चौकोर कमरे के रूप में बनाया जाता था, यानी कि शुरुआत में जो मंदिर को बनाया जाता था वो चौकोर टाइप का बनाया जाता था, चौकोर टाइप का, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का मंदिर को बनाया जाता, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में, देखिए सिंपल स्ट्रक्चर में, ये देखिए इस तरीके से बहुत आसान चौकोर टाइप का मंदिर, बहुत ही साधारण सा, क्योंकि उस वक्त में लोगों को हो सकता है उतना ज्ञान वगैरह नहीं था, हो सकता है, ठीक है। तो प्रारंभ में मंदिर जो है एक चौकोर कमरे के रूप में बनाया जाता था, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता है, चौकोर टाइप का जो मंदिर होता था उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गर्भगृह। सभी मंदिरों में एक द्वार होता था जिससे लोग अंदर प्रवेश करते थे, और सभी मंदिरों में एक प्रवेश द्वार होता था, यानी कि एक गेट होता था जिससे लोग मंदिर के अंदर जाते थे, ठीक है। आगे देखो,
मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जो कि बहुत आसान है ना, ये सारा चीज़ आप देखते होंगे, वही चीज़ को लिख देना है कि पहले चकोर टाइप का होता था, हर मंदिर में प्रवेश द्वार होता था, लोग वहाँ जाके पूजा करते थे, तो लोग पूजा ही करते जा करके, है ना। मंदिरों का दीवारों पर चित्र उत्तीर्ण किया जाते थे, आप बहुत सारे मंदिर में देखेंगे जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा चित्र बना हुआ होता है, तो उस वक्त में भी जो है मंदिरों के द्वारे पर चित्र बने हुए होते थे। कृत्रिम गुफाएं भी बनवाए जाते थे। अब गुफाएं क्या होता है, तो जो जमीन के अंदर रास्ता होता है, ठीक है, तो कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। कितना चीज आ जाता भाई, कृत्रिम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है, बस लास्ट है आपका, टेंशन मत लीजिए। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, दो चीज, एक प्राकृति एक मनुष्य, तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलेंगे कृत्रिम। तो मंदिरों के द्वारों में एक तो चित्र होता था, साथ ही साथ कोई अगर मंदिर जाता था तो मंदिर जाने के लिए गुफाएं भी होता था, मतलब जमीन के अंदर से रास्ता होता था। ये किसके लिए, तो ये राजा के लिए, क्योंकि राजा को सिक्योरिटी चाहिए था, अब अगर वो बाहर से आएगा तो या तो कोई उसका दुश्मन होगा तो उस पर हमला कर देगा, तो राजा के लिए स्पेशल जमीन के अंदर से रास्ता बनाया जाता था जिसको गुफाएं कहते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी, यानी कि जो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं बनाई गई थी वो किसके आदेश से, तो वो जो आदेश है वो सम्राट अशोक ने दिया था। वो किसके लिए बनवाए थे, तो जो आजीविक संप्रदाय थे, आजीविक संप्रदाय था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, संप्रदाय के बारे में, तो जो आजीविक संप्रदाय के संत थे उन्हीं के लिए जो है एक गुफाएं बनाया गया था, और बनवाया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, और इसी को हम लोग कहते हैं प्राचीन कृत्रिम गुफाएं। संतों के लिए बनवाया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अब आगे देखो, ताम्रपत्र अभिलेख, एक पत्र है जिनका नाम क्या है, एक अभिलेख है जिसका नाम है ताम्रपत्र अभिलेख। एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया, यानी कि ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के प्रमुख तक्षक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इस मंदिर का निर्माण किया जाता है, और जब इस चीज़ को ये करता है तो उसको बनाने के बाद जब वो देखता है तो वो देखने के बाद क्या बोलता है कि हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया, इतना वो अच्छा बना देता है उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर का हो गया द एंड। उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अब दो तीन चीज़ आपको बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि आप जाने के बाद इस पीडीएफ को पहले क्या करना, रिवाइज करना, रिवाइज करना, तभी अभी आप जितना सुने हैं हो सकता है आपको याद हो लेकिन सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो कोर्स ले लिए हैं, जो पीडीएफ ले लिए हैं, ये चैप्टर हो गया समाप्त। क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों, और ये पीडीएफ को जाके ऐप में जाके रिवाइज करिएगा। जो पीडीएफ नहीं लिए हैं वो जाकर के ऐप में जाकर के पीडीएफ ले लेंगे या फिर कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे, जो भी आपको करना कर लीजिएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी वहाँ पर हो जाती है, घर बैठे आप कंप्लीट संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, बार बार कहना ना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट, है ना, पहली बार अगर जो भी प्यारे बच्चे आए हैं इस चैनल पे तो, और शेयर कर दीजिएगा फटाफट एक बार स्टेटस वगैरह, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, जहाँ भी आप लोग स्टेटस इंस्टाग्राम वगैरह में लगाते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए, आपने इतने एंड वक्त तक साथ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत सदाबहार बना रहूँगा, ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।